इंग्लैंड के खिलाफ रिमेनिंग 3 टेस्ट मैचों के लिए टीम अनाउंस हो गई है। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में गायब है केएल राहुल, वो भी तब जब इंस्टाग्राम पे बंदा पोस्ट कर रहा है अपने नेट सेशंस के वीडियोस को। बस यही सवाल उठा लिया है बीसीसीआई ने कि भाई केएल राहुल, अगर आप मैच फिट नहीं है या इंजर्ड है तो ये बैटिंग के वीडियोस क्यों शेयर कर रहे हो भाई। हाय, मेरा नाम है बाचा, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की कहानी है केएल राहुल और उनके इंस्टाग्राम पोस्ट की, जिसकी वजह से बीसीसीआई के क्वेश्चंस के दायरे में आ गए हैं केएल। तो पीटीआई को दिए एक बयान में बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा, अगर बीसीसीआई मेडिकल टीम को पता था कि राहुल की चोट गंभीर है तो उन्होंने राहुल को स्क्वाड में शामिल करने की छूट दी ही क्यों। और खिलाड़ी इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बैटिंग की वीडियो पोस्ट कर गलत सिग्नल क्यों भेज रहे हैं। तो बॉस, केएल राहुल पहले टेस्ट का हिस्सा थे, बैटिंग भी अच्छी की थी, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल और रविंद्र जडेजा दोनों ही नहीं दिखे, क्योंकि दोनों ही इंजर्ड थे। फिर आई बारी तीसरे टेस्ट मैच की, तो वहां पे पता चला कि भाई रविंद्र जडेजा तो मैच फिट हो गए हैं ऑलमोस्ट, एंड शायद खेलेंगे भी, लेकिन केएल राहुल वो मैच फिट नहीं है, इनफैक्ट बेंगलुरु में एनसीए में रिकवर कर रहे हैं। तो बीसीसीआई वाज लाइक, ठीक है भाई, टाइम ले लो, रिकवर करो। लेकिन उस बीच जब केएल राहुल ने अपनी बैटिंग के वीडियो शेयर कर दिए जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बीसीसीआई कंफ्यूज हो गई और भाई लताड़ दिया बीसीसीआई के ही मेडिकल टीम को, ये बोलकर कि भाई अगर केएल राहुल फिट नहीं है और तीसरे टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं बन सकते हैं तो ये वीडियोस क्यों शेयर कर रहे हैं भाई, चुपचाप रिकवर क्यों नहीं कर रहे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कौन खेलेगा केएल राहुल की जगह तीसरे टेस्ट में। इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है, केएल राहुल की जगह स्क्वाड में जगह मिली है देवदत्त पडिकल को, कर्टसी उनका रणजी का परफॉर्मेंस। यस, वही रणजी जिसमें ईशान किशन, कृणाल पांड्या, दीपक चहर जैसे प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, उसी रणजी में परफॉर्म करके देवदत्त पडिकल को जगह मिली है तीसरे टेस्ट मैच के स्क्वाड में। देवदत्त पडिकल ने इस सीजन रणजी में 4 मैचेस खेले हैं जिसमें 556 रन ठोक दिए हैं और इसमें शामिल है 3 शतक। इनफैक्ट तमिलनाडु के खिलाफ जो 151 रन बनाए ना बंदे ने, उस समय स्टैंड्स में टीम के सिलेक्टर अजीत अगरकर बैठकर उनके परफॉर्मेंस का मजा ले रहे थे और शायद इंप्रेस भी हो गए थे। इसीलिए देवदत्त पडिकल को अब मौका मिला है तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्क्वाड में। अब देखो, रायता तो फैला था केएल राहुल की वजह से, लेकिन फैलते फैलते रायता पहुंच गया रविंद्र जडेजा के खेमे में भी। अब रविंद्र जडेजा तो बोल रहे हैं मैं फिट हूं भाई, मैं खेलूंगा तीसरा टेस्ट, लेकिन बीसीसीआई, वो कहते हैं ना कि दूध का जला छांस भी फूक फूक के पीता है, तो बीसीसीआई ने बोल दिया भाई देखो, आप तो बोल रहे हो आप फिट हो, लेकिन हम नहीं मानेंगे जब तक ओके रिपोर्ट नहीं मिल जाती हमें मेडिकल टीम से। अब बात उस खिलाड़ी की, जहां सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं उसका पूरा परिवार ट्रेंड कर रहा है, बोले तो सरफराज खान, जिनके छोटे भाई मुशीर खान हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए टॉप 3 रन गेटर्स में शामिल थे, वही सरफराज खान इस समय तैयारी कर रहे हैं तीसरे टेस्ट में इंडिया को रिप्रेजेंट करने की। यस, सुनने में तो यही आ रहा है कि तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया के लिए बल्लेबाजी करते हुए दिख सकते हैं सरफराज खान। तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर द खान फैमिली एंड फॉर इंडियन फैंस एज वेल, क्योंकि सरफराज खान ने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। तो भाई चलते चलते आपको बता ही दें कि आखिर स्क्वाड है क्या तीसरे टेस्ट का। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, देवदत्त पडिकल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, केएस भरत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाश दीप। तो देवियों सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको मौका मिलता प्लेइंग 11 डिसाइड करने का तीसरे टेस्ट के लिए तो वो क्या होती, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसको शेयर करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।